बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी सांसद कंगना रनौत आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती हैं और अब भाजपा सांसद कंगना के निर्वाचन को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कंगना को कोर्ट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि कंगना के खिलाफ ये याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। नायक वन विभाग के एक पूर्व कर्मचारी हैं, उन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया था। नेगी का कहना है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता नेगी ने यह भी दावा किया है कि अगर उनका नामांकन स्वीकार किया जाता तो वो मंडी से जरूर जीत सकते थे, जिसके बाद अपनी याचिका में नेगी ने कोर्ट से मंडी के चुनाव को रद्द करने की मांग की है और साथ ही साथ मंडी में फिर से चुनाव करने की बात भी उन्होंने अपनी याचिका में कही है। नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस भी जारी कर दिया है और अब 21 अगस्त तक उनको जवाब देने के लिए कहा है। नेगी ने आगे कहा कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उन्हें ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और नामांकन को खारिज कर दिया। बता दें कि कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को लगभग 74,000 से ज्यादा वोट से हराया है। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर प्रकाश चंद भारद्वाज रहे थे, जिन्हें लगभग 4,000 वोट ही मिले थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोर्ट इस याचिका को खारिज कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को कोर्ट की ओर से अमान्य घोषित किया जा सकता है। ये तब होगा जब याचिकाकर्ता ये साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज किया था। लेकिन अगर याचिकाकर्ता इसे साबित कर देता है तो फिर कोर्ट जरूर कंगना के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।